अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसेस रिप। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहें। सो गाइस, मैं आज आपके लिए एक और न्यू प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूँ और वो एक स्टीमर है, एक फेशियल स्टीमर। ये शैनॉन का फेशियल स्टीमर है। ये देख सकते हैं आप इसकी पैकेजिंग किस तरह दी हुई है। स्टीमर इनहेलर है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई हैं, इसमें क्या क्या गिवन है ये आप देख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकता है, 500 to 600 के रेंज में आपको इजीली मिल सकता है। इसका साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये बहुत अच्छा है। आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कोई छोटा सा और कोई इतना हैवी भी नहीं है। ये इसका वायर दिया हुआ है और ये देखिए बहुत छोटा सा है। ये फेशियल स्टीमर के लिए यहाँ पे फ्लो वगैरह हो जाता है तो उसके लिए हम स्टीम ले सकते हैं इससे। और यहाँ पे इसका स्विच बटन दिया हुआ है और उसी के साथ यहाँ पे ये लाइटिंग है, समय इंडिकेट हो जाएगा कि ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं। सो मैं आपको इसको प्लग इन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें वाटर फिल करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने यहाँ से रिमूव किया है। यहाँ पे आपको छोटा सा टैग दिया हुआ है जिसमें हम यहाँ देखिए, अगर हमें लॉन्ग की स्टीम लेनी होती है या फिर हमें कोई मेडिसिन वगैरह डालनी होती है तो हमें ये छोटा सा टैग दिया हुआ है और इसमें हम वाटर फिल करेंगे। ये देखिए आपको टैंक दिया हुआ है, इसमें हमने वाटर फिल करना है। मैं आपको वाटर फिल करती हूँ, देन उसके बाद हम इसको प्लग इन करेंगे। तो गाइस, मैंने इसमें पानी डाल दिया, आपको ये नज़र आ रहा होगा मैंने कितना इसमें पानी डाला है। और रुक, मैं आपको ये दिखा, ये मैंने इसी में फिट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना पानी डाला है। ये देख सकते हैं आप, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें मैंने इतना पानी डाला है। अब मैं इसको प्लग इन करूँगी। गाइस, मैंने इसको प्लग इन कर लिया है। ये देखें, अब मैं इसका ये बटन जो है वो प्रेस करूँगी, स्विच ऑन करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पर ऑन हो गई है। अब मैं इसको टू टू थ्री मिनट्स के लिए टाइम छोड़ दूँगी इसको मैं, ताकि ये जो ये वाटर जो है इसके अंदर वो बॉयल पॉइंट पे हो जाए और देन फिर इसके बाद यहाँ पे स्टीम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको लीव कर दिया। अब आप देख सकते हैं मैं इसको, सो गाइस ये देखें ये गर्म हो गया है। इसमें ये देखें ये बबल्स स्टार्ट हो गई हैं। बबल्स ये देख सकते हैं आप, इसमें वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट में आ गया है। और आप ये देख सकते हैं इसमें स्टीम वाटर वेपर्स भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं। देखें स्टीम इसका स्टार्ट हो गई है। अब आप अगर फेशियल कर रही हैं तो फेशियल के लिए भी ये फेशियल स्टीमर भी है, इनहेलर भी है। सो आप ये देख सकते हैं इसकी स्टीम कितनी अच्छी निकल रही है। देखें आप ये स्टीम इसका कितनी नज़र आ रही है आपको। तो आप इसको सही से स्टीम ले सकते हैं। ये इनहेलर भी है, जैसे कि हम कोई मेडिसिन वगैरह के साथ हम इसको ले सकते हैं, कि अगर हम कोई मास्क वगैरह यानी कि जो फेशियल करवा रहे हैं उसमें हम ये स्टीम ले सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा बहुत अच्छा है, कोई ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है कि इसको हम कहाँ पे रखें या क्या, कोई ऐसा नहीं है। बहुत इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल सकता है ये चीज़ें। ये देख सकते हैं आप, वही कितने 2 to 3 मिनट्स में बहुत ज़्यादा बॉयल हो चुका है। सो ये था आज इस स्टीमर का रिव्यू। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है, कितना पानी डालना है और वो स्मॉल टब किस चीज़ के लिए है। सो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।